एक छोटी सी बात जो आपने कहा ना छोटा सा प्यारा सा कंपटीशन होता है कंपटीशन कभी भी प्यारा नहीं हो सकता है कभी भी form, नहीं इवन इफ इट्स इन द मोस्ट लाइटेस्ट फॉर्म जैसे मोर और डैडी मोर तो ये तो बहुत डैमेजिंग है इसमें प्यारा क्या है ये तो बहुत डैमेजिंग है एक हम एक बच्चे को सिखा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लविंग मोर लविंग लेस Oh, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं उसको पता ही नहीं है that's bad. हाँ, see that's I said, no, ये प्यारा नहीं है <laughs> ये प्यारा बिल्कुल नहीं है ये तो <laughs> बहुत मजाक में की हुई बात भी hmm. लेकिन ये बचपन से सीखी हुई चीज हो रही है ना फिर एंड hmm. ये है एक्चुअली कॉम्पिटिशन किसके बीच में है बात हम बच्चे से कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली ये कॉम्पिटिशन किसके बीच Husband में हस्बैंड वाइफ।, वाइफ के बीच में है कई बार डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ के बीच हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में भी हो सकता yes. है बच्चों के पे नौकर करते मेरे साथ मेरे पास आके चुप हो जाता है तेरे पास नहीं आता yes, है यस yes, यस ये बहुत सटल है कंपटीशन का संस्कार इतना सटल है कि हमें लगता है कंपटीशन सिर्फ वर्क प्लेस पे होता है या प्रोफेशन में होता है या बिजनेस में होता है या यू नो स्टेटस ये ये मेरे पास होना चाहिए इसके पास है इन चीज़ों में है लेकिन ये जो सटल चीज़ें हैं जैसे आपने कहा ना किससे ज़्यादा प्यार करते हो कौन ज़्यादा अच्छा संभालता है घर को कौन ज़्यादा अच्छा चलाता है इसमें भी सूक्ष्म में ये कंपटीशन ही है क्योंकि जब हम ये रियलाइ हम फील करते हैं कि मैं दूसरे से बेटर करता हूँ या दूसरा मेरे से बेटर करता है एट दैट टाइम वी आर नॉट क्रिएटिंग द राइट एनर्जी फॉर इच अदर ये सूक्ष्म में हम अपने प्यार की एनर्जी अपने प्रति भी और सामने वाले के प्रति ब्लॉक कर रहे हैं एक बार एक बहन ने कहा मेरा बच्चा बहुत मेहनत लगती है मुझे सारा दिन इसको संभालने में छोटा बच्चा है पूरा मेरा टाइम उसके अराउंड और उसे खाना पिलाना सुलाना वो कहती हैं मेरे हसबैंड रियलाइज नहीं करता है कि कितनी मेहनत लगती है एक बच्चे को संभालने में उनको लगता है बच्चा पूरा दिन क्या है इसमें इतनी क्या मेहनत है संभालने का तो कहा उस दिन शाम को उन्होंने आकर मुझे कहा छोड़ दो मैं संभालता हूँ तो कहती मैंने दे दिया उसको और वो देने के बाद मुझे फोन किया कहती मैं देखकर आई हूँ वेरी गुड रेस्ट नो रेस्ट एंजॉय जो करने का मन है वो करो तो कहती है, देखती हूँ ना आज उनको पता चलेगा देखती हो कैसे संभालते हैं विच मीन्स ऑलरेडी सटल में क्या थॉट क्रिएट कर दी तकलीफ दे बच्चा उनको हस्बैंड परेशान हो जाए एंड देन ही रियलाइज माय वर्थ और फिर मुझे बोले कि भाई तू इसमें दिस दिस फीलिंग नहीं तो फीलिंग क्या हमारी लेकिन ये कोई कॉन्शियसली नहीं कर रहा ये वो कंपटीशन है जो हम इंटेंशनली या कॉन्शियसली नहीं क्रिएट छोटा सा प्यारा सा लेकिन ये छोटा सा प्यारा सा नहीं है क्योंकि इसके लिए तो हम अवेयर भी नहीं हैं एटलीस्ट जो प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन होता है वे अवेयर के ये कंपटीशन है यहाँ तो अवेयर ही नहीं है कि अन इंटेंशनली क्या थॉट क्रिएट कर दी कि माय हस्बैंड शुड नॉट बी एबल टू तो डू इट वेल मै हस्बैंड नहीं संभाल पाएगा बच्चे को तो अपने ही हस्बैंड के प्रति अपने ही बच्चे के लिए कौन सी एनर्जी क्रिएट कर दी तो कभी भी चाह अच्छा संभाल ले <laughs> तो खुशी नहीं होने वाली है अच्छा नहीं लगता है नहीं अच्छा लगता है ये भी तो कितना सतल है जब हमें लगता है कि हम ज्यादा अच्छा कर पाते हैं कोई भी काम इवन घर में कोई भी ऐसा काम और हमें लगता है कि हमारे बिना कोई कर नहीं पाएगा ये और अगर कोई और कर लेता है वो हमें अच्छा लगना चाहिए ना, और वो जो करने वाले हैं वो हैं भी कौन ऐसे भी नहीं कि सम आउटसाइडर आर ओन फैमिली तो भी अच्छा नहीं लगता है मेरे घर पे भी होता है ऐसा लेकिन मैं तो बड़े हंस के बोलता हूँ अच्छा टुडे इज दादीज डे अच्छा तो टुडे इज मोह डे टुडे इज टूडेज विवेक इज डे आज आज मोम हाँ, जब मेरे पास है आज दादा की डे hmm. hmm. तो क्या बच्चे का मूड है कभी किसी के साथ खेलते है कभी किसी भी चीज में हमें ये हमेशा अपनी थॉट्स इसी को हम अवेयरनेस कहेंगे कि अपनी थॉट्स की अवेयरनेस कि जब भी कोई हमसे बेटर कर रहा है तो उसके लिए भी उतना ही अच्छा फील होना चाहिए जितना अपने लिए अच्छा फील हो रहा था कि हम ये कर पा रहे हैं अगर कोई और कर पा रहा है वो तो भी उतना ही अच्छा फील होना चाहिए वो है उस आत्मा के प्रति प्यार की एनर्जी क्रिएट करना और वो जो आत्मा है वो हमारा स्पाउस या बच्चे या कोई और फैमिली का मेंबर है अगर सकल इट कॉम्पिटिशन कैन नेवर बी नाइस नहीं वो तो स्कूल से है आज ऐसे का कंपटीशन है आज क्लास का है अगेन वो कंपटीशन अलग क्यों क्योंकि उस कंपटीशन में एक आप इंटेंशनली कंपीट कर रहे हो प्रिपेयर कर रहे हो नहीं हम इंटेंशनली कंपीट क... हम के... हम बड़े अवेयर हैं कि हम कंपीट कर रहे हैं okay. लेकिन यहां तो संस्कार जब बन गया सी दिस इज वेयर इट बिकम्स रिस्की कि वहां हम इंटेंशनली कम्पीट करते हैं करते 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 संस्कार बन जाता है जैसे हमने बाकी संस्कारों का देखा ना गुस्सा किया दो बार किया चार बार किया क्रिटिसाइज किया दो बार किया अब जब वो संस्कार बन जाता है वो ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है अब वो ऑटोमेटिक मोड में जाने के बाद वो ये नहीं चेक करता कि मैं अपने हस्बैंड से कम्पीट कर रहा हूँ या मैं अपनी मदर से कंपीट कर रहा हूँ इवन पेरेंट चाइल्ड कैन कम्पीट यहाँ तक के अगर एक फादर अपने तरह से बिजनेस चला रहे हैं hmm. बहुत सालों से वो बिजनेस सेट किया क्रिएट किया पूरा एक सक्सेस को अचीव किया बेटा आया आफ्टर ट्वेंटी फाइव ईयर्स एक नया मेंबर आया उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए वो अपनी नई सोच नए स्किल्स नया सब कुछ लेकर आया और अगर उस बेटे ने वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर दी जिससे चीजें और बेटर होने लगी या लेट से अगर उस ऑफिस के लोग उस बेटे को ज्यादा लाइक भी करते हैं कंपेयर टू उसका काम करने का तरीका अपना है उस चीज में भी सूक्ष्म रूप में वो पेरेंट को अच्छा नहीं लगने वाला है जब वो पेरेंट को अच्छा नहीं लगता उस क्षण वो पेरेंट किसके साथ कम्पीट कर रहा है अपने ही बच्चे के साथ कम्पीट कर रहा है

फिर लव का गया फिर तो दिस इज कॉम्पिटिशन दिस इज कॉम्पिटिशन लव के नाम से यस yes, बिकॉज वो आपसे ज्यादा प्यार करती है या उसकी आपसे ज्यादा बनती है उसको आपके साथ बात इवन एक सिंपल चीज के अगर कोई कहे इनसे आकर तो मैं बात कर सकती हूँ इनसे बात करने में मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा

री नाइस nice. पहले जमाने में कहते थे, थे ना चार पांच भाई हैं एक ने भी ज्यादा कमाया एक ने कम कमाया सारा घर ही में तो आना है ये दिस बिकॉज वाइब्रेशन क्या थी कोऑपरेशन तो क्या हुआ तो उसे कम से ज्यादा चलो आना तो एक जगह ना। लेकिन आज तो नहीं ऐसा कह पाते तो वैसे प्यार नहीं अगर एक ने एक को बच्चे को ज्यादा कर दिया था जाना तो बच्चे को ही है ना अपने बच्चे को प्यार मिल रहा है दिस इज वॉट मेरी it सास अगर दे दे, दे अगर और कोई लड़े लड़की बोले हाँ। कि मेरी सास मेरे बच्चे को ज्यादा प्यार दे रही है हाँ। तो उसको, उसको खुशी होनी चाहिए कम्पीट करना दिस इज़ द लाइन उसको खुशी होनी चाहिए मिल किसको रफा देखो प्रैक्टिकली देखो तो मिल तो मेरे ही बच्चे को प्यार ना तो खुशी होनी चाहिए ना अगर समझो मैं आके आपके बैलन, बैंक बैलेंस में हाँ। समझो आपका बैंक का लोन है कहीं से मैं डाल दिया फलाने डाल दिया बहन ने डाल दिया भाई ने डाल दिया आपका तो उल्टा फायदा हो रहा है ना लेकिन कंपटीशन की फीलिंग संस्कार के कारण इट बिकम्स मैंने क्यों नहीं किया hmm. मेरे से बेटर कंपटीशन की ही क्या है कौन बेटर है hmm. कौन नंबर वन है शूटिंग में भी ऐसे ही होता है हमारे किसने अच्छा फ्रेम वो तो प्रोफेशनल मैंने बनाया बनाई लाइट तूने रॉन्ग yes, right. लगाई मैंने तेरे से अच्छी लगाई मैं तो यहाँ तक देखा सिस्टर एक बार मुझे इतना बुरा लगा कि मेरी भाभी की डेथ हो गई थी एंड आई वाज मतलब बहुत छोटा था था तो ज्यादा दुख हुआ तो कभी डेथ देखी नहीं थी तो हमारे घर के फैमिली पंडित ने मुझे वो कब की बात आज तक याद है बोले ये बराबर से कुछ लकड़ी नहीं जल रही थी जिसमें अंतिम संस्कार हो रहा था तो जाके उन्होंने सजा उजा के लकड़ी का शैल लगा के देखा ये देखो क्या जल रही लकड़ी इसको कहते लकड़ी लगाना देखो मैंने मुझे तो ऐसा बुरा लगा ऐसा बुरा लगा और हमारे फैमिली पंडित हाँ। और मेरी भाभी जल रही है मर रही है मरने के बाद और उसके अंदर वो अपनी तारीफ कर रहा है कि देखो मैंने कितनी करेक्ट तरीके से लगाया है दिस इज कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते हैं मतलब इतना आदमी अंधा हो जाता है इसमें कि उसको जगह भी नहीं मालूम है मैं कहा क्या बोल रहा हूँ संस्कार बन गया ना राइट right. संस्कार बन गया वो ऑटोमेटिक मोड में चलता है वो ना जगह देखता है ना रिश्ता देखता है ना अपना और अपने परिवार का फायदा देखता है संस्कार बट दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक सो मच केयर ऑफ आवर संस्कार वो जो मुझे जो वोंड उस टाइम पे लगा yes. यंग लड़की नई नई शादी में मर गई सडनली चाइल्ड बर्थ में कहीं भी अगर कुछ तो, भी हो तो भी तो ऐसे तो समय भाभी और मैं कुछ किस मूड में हूँ और उस टाइम पे छोटा था गुस्सा भी ज्यादा आता था दिस इज वाई वी हैव टू टेक केयर की अपने संस्कार की चेकिंग और अपने बच्चों को कौन से संस्कार क्रिएट करवा रहे हैं उसकी चेकिंग आप देखो एक छोटे बच्चे को कंपटीशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसको नहीं मालूम अगर मैं जाके आप जो बोल रहे हो सिस्टर हाँ? मैं अगर अपने बच्चों को बोलूं कि अपने बच्चों को कंपटीशन नहीं सिखाए तो बोलेंगे डैडी इनको पीछे कर रहे हैं कॉम्पिटिशन का कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन मार्क है कंपटीशन फैमिली में तो खैर है ही क्वेश्चन मार्क इवन प्रोफेशनली कंपटीशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें मंथन करने की जरूरत है कंपटीशन बच्चे को नहीं पता था एक बच्चा गया एग्जाम दिया अभी आपके छोटे बच्चे हैं ठीक है ठीके? अभी ये दो तीन साल बाद स्कूल जाएंगे ठीक है नर्सरी में फर्स्ट स्टैंडर्ड में उनको कुछ नहीं पता कि कॉम्पिटिशन क्या होता है हमारे पास दो तरीके हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है एक है आपने ये पढ़ा आप अपना बेस्ट करेंगे और कल जब आप एग्जाम देकर आएंगे तो हम इवैल्यूएट करेंगे कि आपने जितना आपका बेस्ट था क्या आपने उतना बेस्ट परफॉर्म किया सिंपल सिंपल ये simple है क्या हमने अपनी कैपेसिटी का बेस्ट परफॉर्म किया या ऐसा तो नहीं कि कैपेसिटी से कम परफॉर्म किया तो फिर हम नेक्स्ट टाइम और केयर करेंगे हम वो नहीं करते हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर फोकस नहीं करते एग्जाम देके बच्चा आता है हम पूछते हैं कैसा हुआ फर्स्ट hmm. क्वेश्चन हम पूछते हैं कैसा हुआ बच्चा कहता है अच्छा हुआ वेरी गुड सेकेंड क्वेश्चन हम पूछते हैं बाकी सब का कैसा हुआ दिस क्वेश्चन डजेंट होल्ड एनी रेलिवेंस लेकिन हम पूछते हैं बाकी सब का कैसा हुआ फिर बच्चा कहता है बाकी सब का बहुत अच्छा हुआ जैसे ही उसने कहा बाकी सब का बहुत अच्छा हुआ तो तुम्हारा फिर उतना अच्छा क्यों नहीं हुआ अगर उसने कहा बाकी तो किसी का अच्छा ही नहीं हुआ फिर तुम्हारा जो अच्छा हुआ वो बहुत अच्छा हुआ सो विच मीन्स तुम्हारी अपनी कैपेसिटी लेट्स से तुम्हारी अपनी कैपेसिटी थी कि तुम्हें एट्टी परसेंट मार्क्स आ सकते थे आज के एग्जाम में लेकिन आपने आकर कहा मुझे सेवेंटी मिले बाकी सब का कैसा हुआ बाकी को 75 मिले तो तुम्हारा अच्छा नहीं है लेकिन बाकी सब का कैसा हुआ? कहेगा, बाकी सब को 60 मिले तो तुम्हारे 70 भी बहुत अच्छे हैं तब हम ये नहीं सोचते कि आपको 80 की कैपेसिटी थी आपकी आप 70 में ही खुश हो गए क्यों खुश हो गए बिकॉज इट वॉज बेटर देन द रेस्ट कॉम्पिटिशन से ये बचपन में स्कूल में सिखाया गया बाय पेरेंट्स बाकियों से बेटर अगर हम बच्चे को शुरू से ये सिखाते योर कैपेसिटी क्योंकि हर बच्चे की कैपेसिटी एक तो अलग होने वाली है पढ़ने की कैपेसिटी भी अलग होने वाली है इंटेलिजेंस अलग होने वाली है स्पोर्ट्स की कैपेसिटी अलग होने वाली है हम उसकी कैपेसिटी को हार्डनेस करें उसको और बढ़ाएं, उसको अपनी कैपेसिटी से भी कई गुना आगे बढ़ाएं लेकिन जैसे ही हम उसको कहते हैं इन कंपैरिजन विद अदर पीपल तो हम दो नुकसान कर सकते हैं या तो जितनी उसकी कैपेसिटी थी वहां तक हम उसको लेके ही गए या फिर जो उसकी कैपेसिटी नहीं थी उससे भी ज़्यादा उसको पुश करने की कोशिश की एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कार बना दिया कि लाइफ में यू ऑलवेज द बेस्ट योर बेस्ट बट ऑलवेज बेटर देन अदर्स अब हमेशा अगर मैं ये संस्कार के साथ अपने जीवन में चलू आई टू बी बेटर नहीं कर सकते अपनी कैपेसिटी पे फोकस करें किसी और की परफॉर्मेंस को अगर आप देखना है तो इंस्पिरेशन के लिए ले सपोज आप किसी और की परफॉर्मेंस को देखते हैं उसको इंस्पिरेशन के लिए आप लेते हैं कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ यू टेक दैट एज एन इंस्पिरेशन आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं लेकिन अगर हम हमेशा औरों से आगे 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 जाने की कोशिश करेंगे कि मुझे इनसे 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 जाना, है, फिर इन आगे जाना, फिर बेटर होना है, तो हम कहाँ पहुंचेंगे हम क्या रिजल्ट चार चार एक, एक रिलीज होती है तो किसका बिजनेस कितना किया वो कॉम्पिटिशन में कितनी तकलीफ होती है सी, बिकॉज इफ आई हैव टू बी बेटर देन समबड़ी अगर मेरा लक्ष्य ये है राइट फ्रॉम स्कूल टू जीवन के कोई भी क्षेत्र में तो जब भी हम किसी से आगे जाएंगे तो हमारे से आगे कोई और खड़ा होगा उधर सही बात फिर हम कहेंगे अभी हम मुझे इससे आगे जाना है फिर मुझे इससे आगे जाना है और मैं संतुष्ट तब होंगे आई विल बी हैप्पी वेन मैं इससे आगे जाऊंगा मैं इससे आगे जाऊंगा आई बी हैप्पी आई विल नेवर बी हैप्पी क्योंकि हमेशा रेस में भी नॉर्मल रेस में जो एक्चुअली स्पोर्ट्स की रेस है उसमें भी हमें क्या बताया जाएगा स्टार्टिंग में फोकस यहाँ करना है ना इधर और इधर नहीं देखना है क्यों इधर और इधर नहीं देखना रेस है इधर उधर उधर देख कर रेस करो रेस में कैसे जाएगा तो सेकंड हो जाओगे आप तो इधर और उधर देखने से क्या होगा कंसंट्रेशन टूट जाएगा कंसंट्रेशन टूट जाएगा और क्या होगा इधर और उधर देखने से speed, उतनी देर का स्पीड कम हो जाएगी उतनी देर की स्पीड कम होगी और इधर और उधर देखने से इमोशन डिफरेंट क्रिएट हो जाएंगे मेरे से आगे निकल गया फियर क्रिएट हो, हो गया एंग्जाइटी क्रिएट हो गई आपकी एफिशंसी आपकी बेस्ट से कम हो जाएगी और अगर यही आप किसी को ना देखें इवन इफ यूर लास्ट लेकिन आप किसी को न देखें तो आप अपनी बेस्ट इमोशनल कैपेसिटी में भाग रहे हैं तो आप अपना बेस्ट अचीव कर लेंगे तो जब एक रेस जहां फर्स्ट सेकेंड थर्ड आना है वहां पे भी ये सिखाया जाता है लुक स्ट्रेट लुक स्ट्रेट क्योंकि इफ यू लुक स्ट्रेट आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर देंगे जैसे ही आपने right, देखने में आधा सेकेंड एक सेकेंड का मिस्टेक कम हो गया तो फिनिश्ड आधा सेकेंड अगर निकल गया तब इतना कुछ हो जाता है और जीवन ही अगर बीत जाए राइट और लेफ्ट देखने में तो क्या हो जाएगा सी हमेशा ये मेरे से बेटर ये मेरे से बेटर मुझे इससे ज्यादा मुझे इससे ज्यादा पॉसिबल इससे कंपटीशन से इस सेटिस्फैक्शन से, कभी नहीं आएगी खुशी नहीं आएगी अब स्पिरिचुअली अगर हम इसको देखें एक तो है ये लॉजिकली समझ में आ जाता है कि कॉम्पिटिशन से वी कैन नेवर बी सैटिस्फाइड स्पिरिचुअलिटी हमें समझाती है कि हर आत्मा अपने संस्कार अपने कार्मिक अकाउंट लेकर आई है mm. राइट जब हर आत्मा अपने संस्कार और अपने कार्मिक अकाउंट लेकर आई है और दो आत्माओं के संस्कार और कार्मिक अकाउंट अगर सेम हो ही नहीं सकते हैं, कार्मिक अकाउंट पास्ट कोई भी दो आत्माओं के सेम नहीं हो सकते हैं जब दो आत्माओं के पास्ट कार्मिक अकाउंट सेम हो ही नहीं सकते तो मतलब इनपुट फैक्टर रेस के सेम है ही नहीं अभी तो जब इनपुट फैक्टर सेम नहीं है तो रेस कैसे होगी हाउ विल इट हैपन कोई बच्चे हमें दिखेंगे मेहनत ज्यादा करते हैं रिजल्ट उतनी नहीं मिलती है कोई बच्चे दिखते हैं ज्यादा पढ़ते नहीं है ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट बहुत अच्छे वो अगले दिन फर्स्ट आ जाते हैं इसी तरह बिजनेस में हम देखते हैं कोई ज्यादा मेहनत ज्यादा सिंसियर ज्यादा सब कुछ करता है उतनी रिजल्ट नहीं मिलती क्यों क्यों लोग भी कहते हैं वी थॉट ये तो इवन आपके प्रोफेशन में मेरी क्लास में व्हेन आई वाज इन द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में मुझसे कहते थे लोग हाँ, कि ये तो बन जाएगा ये बन जाएगा बोले ये नहीं मुझे बोलते थे ये नहीं बनेगा और हुआ ये सबसे पहले मुझे काम मिला सो डिफरेंट राइट तो मतलब हम अब भी जो पैरामीटर्स देखते हैं हम उसके हिसाब से जज करते हैं यू नो कोई भी अगर जज कर रहा था उन चार पांच लोगों को तो वो प्रेजेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे कर रहा था परफॉर्मेंस स्किल लुक्स जो भी पैरामीटर्स है और उस प्रेजेंट पैरामीटर के हिसाब से हमने कहा ये कर सकेंगे ये नहीं कर सकेंगे आपने कहा रिजल्ट ऑपोजिट निकला ये कर लिया ये नहीं कर पाए जब प्रेजेंट लॉजिकल पैरामीटर्स इतने क्लियर थे तो फिर वो प्रेजेंट लॉजिकल पैरामीटर्स डिफीट कैसे हो गए सारे और एक बार नहीं दो बार नहीं एक के साथ नहीं दो के साथ नहीं कितने सारे हमें ऐसा दिखता है कि हमें लगता है ये होना चाहिए लेकिन होता कुछ और है क्योंकि एक जो प्रेजेंट पैरामीटर सारे हम देख रहे हैं वो है प्रेजेंट ऑनेस्टी डेडिकेशन सिंसियरिटी हार्डवर्क टैलेंट स्किल इंटेलिजेंस भी ये हो गए सारे प्रेजेंट पैरामीटर अगर दो आत्माओं को भी आप ले टू सोल्स hmm. सपोज दो आत्माओं के प्रेजेंट पैरामीटर सारे आइडेंटिकल है ऐसा भी हो सकता है बाई चांस के दो आत्माओं के प्रेजेंट पैरामीटर आइडेंटिकल है लेट से वो जुड़वा बच्चे ठीक है तो टाइमिंग भी सेम है पेरेंट्स भी सेम है कंडीशन भी सेम है और प्रेजेंट उनके टैलेंट स्किल एजुकेशन इंटेलिजेंस सारा कुछ सेम है अगर वो दो आत्माए सेम प्रोफेशन या सेम बिजनेस करते हैं क्या उनका रिजल्ट सेम होगा? Not necessary. रिजल्ट सेम होगा? रिजल्ट नहीं आएगा। जब सब कुछ सेम है तो आउटपुट सेम होना चाहिए ना आउटपुट सेम नहीं आएगा फिर लोग कहते हैं ये लकी था ये कम लकी था ये था? है लाइफ में जिनके दो लड़के या दो लड़के है भाई हैं। एक एक की शादी ही नहीं होती या एक का डिवोर्स ही हो जाता है एक खुश है एक ना खुश है ये तो अगर हो कि दो ट्विंस के संस्कार ही अलग अलग है एक है कि सपोज सब कुछ सेम है तो भी उन दो आत्माओं का एक फैक्टर है जो सेम नहीं है क्या पास्ट कार्मिक अकाउंट ओके बट अ वेरी बिग फैक्टर पास्ट कार्मिक अकाउंट दोनों का डिफरेंट है सपोज एक आत्मा पास्ट hmm. में कोई बहुत पुण्य का खाता जमा करके आई है hmm. उसने बहुतों को सहयोग दिया था बहुतों को उसकी वजह से सफलता मिली बहुत कुछ हुआ तो उसका जो पास्ट कार्मिक अकाउंट का फैक्टर है वो उसको आज के समय में सफलता ज्यादा देगा सपोज एक आत्मा का पास्ट कार्मिक अकाउंट ये है की कि उसने किसी के रास्ते में बाधा डाली थी कहीं कुछ कुछ छोटी मोटी गड़बड़ की थी वो पास्ट कार्मिक अकाउंट उसके प्रेजेंट पर थोड़ा सा भारी पड़ेगा तो वो आत्मा आज मेहनत ज्यादा करेगी लेकिन उसको रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा तो जब पास्ट कार्मिक अकाउंट आइडेंटिकल नहीं हो सकते तो कंपटीशन कैसे हो सकता है hmm. इन दोनों को हम मैच कैसे कर सकते हैं दिस वी नीड टू ऑलवेज रिमेम्बर कि दो आत्माएं कभी भी रेस में नहीं हो सकती क्योंकि पैरामीटर सेम नहीं है जैसे अगर हमें दो बच्चे दिखे कहें ये बच्चा कल पूरा दिन पढ़ रहा था ये फिर भी आज फेल हुआ ये बच्चा तो कल पूरा दिन पढ़ा ही नहीं बिल्कुल ये तो पिक्चर देख के आया ये पिक्चर देख के आया फिर भी पास हुआ और बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ ऐसे कैसे हुआ क्योंकि जो बच्चा कल पढ़ रहा था उसने पूरा साल नहीं पढ़ा था हम किसको देख रहे हैं सिर्फ कल को देख रहे हैं जो बच्चा कल पिक्चर देख रहा था वो पूरा साल मेहनत कर रहा था इसी तरह हम जब एक दूसरे को देखते हैं हम सिर्फ अपने इस जीवन को देखते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की हमारे पास तो सब कुछ था तो भी हमें रिजल्ट नहीं मिली हमने अभी ये एक कॉस्ट्यूम में मेहनत की लेकिन शायद हम पहले नहीं कुछ करके लाए हैं और वो जो आपको अभी दिखाई दे रहा हो जिसने अभी कुछ नहीं किया बहुत ज्यादा लेकिन वो पूरा साल पढ़ रहा था मतलब वो अनेक जन्मों से अपने साथ कुछ कुछ जमा करके लाया है तो हम उसके साथ कंपटीशन कैसे कर अवार्ड भी मिला था स्कूल में लेकिन मैं पूरी क्लास में ऐसा अटेंशन रखता था जो जो टीचर बोलती थी वो जिस दिन पेपर सामने आता था ना क्वेश्चन वो टीचर की सब बातें मुझे उस, उस वक्त याद आ जाती थी मुझे कोई जरूरत ही नहीं थी मतलब एक दिन पहले पढ़ना शुरू पूरी पूरी रात हुआ लेकिन वो वो जो टीचर बोल रहे थे वो एकदम ध्यान से यहाँ फीड हो जाता था ये भी हर आत्मा नहीं कर सकती हाँ, बात रबर सकता वो भी नहीं वो भी नहीं अगर मैं भी उस टीचर को उतना ही अटेंशन से सुनू अच्छा, तो भी मुझे उतना कैच नहीं होगा पास्ट संस्कार पास्ट कार्मिक अकाउंट इंटेलिजेंस लेवल बिकॉज ऑफ पास्ट कार्मिक अकाउंट आज इंटेलिजेंस लेवल भी मेरा पास्ट कर्म पे डिपेंडेंट है तो मेरा और आपका कंपटीशन फिर कैसे हो सकता है ये अगर हम सारा दिन पकड़ के रखें ये अपनी जर्नी पर हम अपनी जर्नी पर हमारे संस्कार कार्मिक अकाउंट अलग हैं। आज भी हम अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाएं, लेकिन अगर हम इधर और उधर देख के कंपेयर करेंगे तो आज की भी जर्नी फिर हमारी प्यारी और खुशी वाली नहीं होगी थैंक यू वेरी मच सिस्टर पास कार्मिक अकाउंट के कुछ सवाल और भी हैं मिलते हैं अगले एपिसोड में ओम शांति ओम शांति थैंक यू सो मच थैंक यू